सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, आप मेरे बॉस से मेरे को रोजाना कॉल करते हो, रोजाना कहते हैं कि सर मैं सर रेगुलर कैंडिडेट हूँ और मैं स्कूल से फॉर्म फिल करवाने जा रहा हूँ, तो मेरे स्कूल वाले काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 1500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं एक फॉर्म फिल करने के कंपार्टमेंट के। तो सर मैं कहीं बाहर से फॉर्म फिल करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता? और दूसरा क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर मैं जैसे कहीं बाहर फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर लिखा रहे नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब मैं कोई साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवा रहा हूँ और अपना रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर लिखा देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सर मेरा कोई डाटा में प्रॉब्लम है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सर है तो बताओ। तो गाइस देखो, मैं दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में दूंगा। तो गाइस सबसे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर कैंडिडेट हो और प्राइवेट कैंडिडेट वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। मतलब गाइस मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट दोनों के फॉर्म अलग अलग आए हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर दो फॉर्म निकले हैं कंपार्टमेंट के, एक रेगुलर कैंडिडेट का फॉर्म आया और एक प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आया है। रेगुलर कैंडिडेट वो है जो स्कूल जाते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट वो है जो स्कूल्स वगैरह नहीं जाते, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। गाइज रेगुलर कैंडिडेट को फॉर्म स्कूल से ही फिल करवाना है, ये कंपलसरी है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो और स्कूल से जाते हो, मतलब स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको स्कूल में जाके कंपार्टमेंट फॉर्म फिल करवाने हैं। और गाइज इधर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट की फीस भी अलग है। ऐसा नहीं है कि गाइज आपके स्कूल वाले आपको ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं या फिर आपको लूट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक स्कूल मिनिमम 1500 रुपीज़ चार्ज करे और फॉर्म की फीस भी उनकी इतनी ही है। रेगुलर कैंडिडेट की फॉर्म की फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट की फॉर्म की फीस कम है। अप्रॉक्सीमेटली 300 पर सब्जेक्ट है प्राइवेट कैंडिडेट की, और रेगुलर कैंडिडेट की मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। मैं कंफर्म करके अगर आपको पूछना हो तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसको कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि रेगुलर कैंडिडेट की क्या फीस है। वैसे गाइस रेगुलर कैंडिडेट को स्कूल से ही फॉर्म अप्लाई करने कंपलसरी है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, साइबर कैफे वगैरह कहीं से भी कर सकते हैं। और गाइज अगर कोई रेगुलर कैंडिडेट प्राइवेट कैंडिडेट बनके फॉर्म फिल करने जाएगा साइबर कैफे से, तो उसका लिखा आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके गाइज, तो मैं आप सभी को अपील करूंगा कि रजिस्ट्रेशन एंड होने वाले हैं, 20 अगस्त लास्ट डेट है, तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। और गाइज इस वीडियो को मैं ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट में क्या डिफरेंस है और उनकी फीस में क्या डिफरेंस है, और अगर उनको भी नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको भी इसके बारे में पता लग सके। और गाइज अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसको कन्फ्यूजन हो रही है कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग कंपार्टमेंट के, तो मैं स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए, उसको कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, हमने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे घर पर रहो, सेफ रहो।